बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 7 करना है। आपका जो कोर्स कोड है 5403 आईसीटी बेसिक्स ऑफ आईसीटी के हवाले से हम देख रहे थे यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 का जो टाइटल है वो है डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर हमने जो हमारा था वो था यूनिट नंबर 6 विच वाज ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हमने ओवरऑल देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन किया हमने कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, उसका बुनियादी मकसद क्या होता है। फिर हमने देखे कि ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने रिलेट किया कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक मैनेजमेंट की तरह होता है कि तमाम रिसोर्सेज को वो मैनेज करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, उनसे काम लेता है। जिस तरह हमने एग्जाम्पल दी थी एक मुल्क की हुकूमत की, एक इंतज़ामिया की, ठीक है। एक मुल्क में जो मैनेजमेंट होती है, एक हुकूमत होती है, उसका बुनियादी काम क्या होता है, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट होती है उसका काम होता है कि उस मैनेजमेंट या उस इलाके के जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको प्रॉपरली उनसे काम ले और उनको उनकी ज़रूरियात को पूरा करे। तो इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम भी कंप्यूटर के जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके अंदर रिसोर्स मैनेजमेंट, उनके अंदर जो काम को डिवाइड करके उनसे काम लेता है बेसिकली। तो उसी तरह हमने फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस को देखा। फिर आगे हमने कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, और उसको हमने कैटेगराइज किया। फिर हमने कुछ प्रैक्टिकल भी देखे थे। तो आज के यूनिट में जो कि है डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, इसके अंदर हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि डाटा कम्युनिकेशन क्या चीज़ होती है, ठीक है, और नेटवर्किंग क्या चीज़ होती है। फिर हम देखेंगे कि बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं डाटा कम्युनिकेशन के। इसके अलावा ट्रांसमिशन मोड्स क्या होते हैं, ठीक है। इसी तरह नेटवर्किंग के अंदर जो है वो फिर आपकी जो वायर्ड और वायरलेस जो कम्युनिकेशन होती है उसके अंदर कौन कौन सी ऑप्शंस मौजूद हैं। इसी तरह नेटवर्किंग के अंदर हमारी जो नेटवर्किंग टोपोलॉजीज होती हैं वो कौन कौन सी मौजूद हैं। और लास्ट में हम देखेंगे OSI मॉडल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ओवरऑल जनरल नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स या इंटरनेट के कॉन्सेप्ट्स के लिए। तो बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है इसका कि रैपिड ग्रोथ ऑफ द टेक्नोलॉजी हैज एनहांस्ड द रोल ऑफ डेटा कम्युनिकेशन इन मॉडर्न लाइफ। द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स इज नाउ एसेंशियल पार्ट ऑफ बेसिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट्स। देयरफॉर दिस यूनिट हैज बीन इंक्लूडेड एट द बैचलर लेवल कोर्स। इट कवर्स फंडामेंटल व्यू ऑफ ब्रॉड फील्ड ऑफ डेटा कम्युनिकेशन एट नेटवर्क, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे को एम्फेसिस किया गया है कि जिस तरह IT की फील्ड जो है वो काफ़ी इमर्ज, उसकी ज़रूरत जो है वो हर फील्ड के अंदर आ गई है। जैसा कि एक आपकी एग्जाम्पल ही है कि आप क्योंकि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स नहीं हैं, आप BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन फिर भी आपको IT पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि IT या ICT वो हर फील्ड के अंदर उसका जो है वो किरदार मौजूद है। तो इस यूनिट नंबर 7 का जो ऑब्जेक्टिव है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए जाएं कि व्हाट इज़ डाटा कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज़ नेटवर्किंग। इसी तरह फिर आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सकें कि डाटा ट्रांसमिशन मोड्स और डाटा ट्रांसमिशन फॉर्म्स में क्या क्या फ़र्क होता है। इसी तरह आप अंडरस्टैंड कर सकें कि डाटा ट्रांसमिशन मीडिया के कौन कौन से मुख्तलिफ ज़राए हैं। इसी तरह आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख सकें नेटवर्किंग के। इसी तरह आप ये भी देख सकें कि स्विचिंग एंड राउटिंग की टेक्निक्स कौन कौन सी मौजूद हैं। और लास्ट में हम देखेंगे कि OSI यानी कि ओपन सिस्टम इंटरेक्शन, जो इंटरनेशनल मॉडल लेयर का जो OSI मॉडल है उसको भी आप अंडरस्टैंड कर सकें। तो फर्स्ट सबसे पहले देखते हैं डेटा कम्युनिकेशन। डिटेल में जाने से पहले हमेशा हम वर्ड को ही अगर गौर करें तो पहले अगर उसको हम जिस तरह किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसके एक कहते हैं उसके लिटरल मीनिंग यानी कि उसकी लघवी मायनिंग, एक उसके होते हैं इस्तलाही मायनिंग यानी कि उसके एक लिटरल मीनिंग और एक है एक कॉन्टेक्चुअल मीनिंग या कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक। सबसे पहले लिटरल देख लेते हैं। अब इसमें पहला वर्ड जो आ रहा है वह डेटा का आ रहा है। तो डेटा से मुराद क्या चीज़ है,
उसकी डेफिनेशन के अगर अगर अंदर जाएंगे तो डेटा से मुराद एनी रॉ फैक्ट और फिगर, ठीक है, कोई भी मालूमात या कोई भी फैक्ट होगा, फिगर होगी, तो वो डेटा हो जाएगा। इसी तरह डेटा की एडवांस फॉर्म होती है, जब आप उस डेटा को ऑर्गेनाइज कर देते हैं आप, तो वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह आगे उसकी फर्दर फॉर्म जो है नॉलेज की सूरत में भी होती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर डेटा आपका कोई भी रॉ फैक्ट एंड फिगर है, और कम्युनिकेशन क्या चीज़ है कि एक चीज का एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसफर होना, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना। जैसे आप पर्सन ए पर्सन बी को कोई बात बताता है तो वो उसे कम्युनिकेट कर रहा होता है, तो वो आप अपनी सोच अपना मैसेज एक जगह से दूसरी जगह को लेके जाने को कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो डाटा कम्युनिकेशन इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा अमंग टू नोड्स। अब इसके इन कॉन्टेक्स्ट मीनिंग क्या होंगे कि डाटा कम्युनिकेशन बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा है, यानी कि जीरो एंड वंस का जो कम्युनिकेट डाटा है, उसकी मूवमेंट है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, यानी कि एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक। इसमें लाजमी नहीं है कि एक डेस्कटॉप कंप्यूटर ही, कंप्यूटर से जिस हमने शुरू में डिफाइन किया था कि कंप्यूटर से मुराद कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि कंप्यूट करती हो इंसान के मसाइल या प्रॉब्लम को सॉल्व करती हो। तो डाटा कम्युनिकेशन एक फ्लो है किसका, इलेक्ट्रॉनिक डाटा का, दो कंप्यूटर्स या दो डिवाइसेस के दरमियान थ्रू कम्युनिकेशन मीडिया। किसी भी कम्युनिकेशन मीडिया चैनल को इस्तेमाल करते हैं वो है, अब वो चैनल मीडिया कोई भी हो सकता है, ठीक है, वो वायरलेस भी हो सकता है, वायर्ड भी हो सकता है, सेटेलाइट भी के थ्रू भी हो सकता है, एक वायर के थ्रू भी हो सकता है, फिर आगे वायर्स की टाइप भी आ सकती है, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू मैनेज द कम्युनिकेशन द नोड मस्ट बी अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम एंड लिंक्ड विद ईच अदर वाया सम मीडिया लाइक केबल्स और माइक्रोवेव, ठीक है। इसमें यही बताना चाह रहा है वो कि जब भी आप डाटा कम्युनिकेशन आप करना चाहते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, दोनों कंप्यूटर्स का यानी कि सेंडर और रिसीवर का उस सिस्टम का हिस्सा होना जरूरी है, उनका आपस में कुछ कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अब वो कनेक्टिविटी केबल के थ्रू भी हो सकती है और माइक्रोवेव यानी कि वायरलेस टेक्नोलॉजी के जरिए से भी हो सकती है, ताकि वो डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सके। अच्छा, तो जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है वो तीन बुनियादी प्रिंसिपल्स पे कर होता है, जिसकी प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि डिलीवरी एक्यूरेसी और टाइमलीनेस के प्रिंसिपल्स होते हैं। अब डिलीवरी क्या चीज है, डिलीवरी से मुराद क्या है, द सिस्टम मस्ट कैरी आउट द डेटा टू द करेक्ट एंड और डेस्टिनेशन, डेटा मस्ट बी रिसीव बाय द करेक्ट रिसिपियंट। यानी कि डिलीवरी का मतलब ये है कि डेटा को वो सही जहां पर पहुंचाना है उस जगह पर पहुंचा दे, ठीक है, डेटा को रिसीव करा दे उस डिवाइस तक, उस जगह तक जहां पे उसने पहुंचाना है। सेकंड जो प्रिंसिपल है वो एक्यूरेसी का है, एक्यूरेसी से मुराद द सिस्टम मस्ट डिलीवर द डेटा विद एक्यूरेसी, यानी कि जो डेटा भेजने वाला जो डेटा भेज रहा था वही डेटा को उसको उसी तरह वहां पहुंचाया जाए, वहां से डेटा जो है वो रास्ते में कुछ और उसकी शक्ल तब्दील ना हो, ताकि उसकी एक्यूरेसी होगी वो। द अल्टर्ड और इनकम्प्लीट डेटा इज अनयूजेबल, देयरफॉर इट शुड बी एक्यूरेट एज पर द सेंडिंग फॉर्मेट। जैसे कि इसको हम अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल में भी देखें, अगर आप एक शख्स से कुछ कहने जा रहे हैं, आप कहने जा रहे हैं कि आप एक गिलास पानी लेकर आए, तो डिलीवरी क्या होगी कि आपकी आवाज़ या आपका जो मैसेज है वो, आपकी आवाज़ जो है वो दूसरे तक पहुंच जाए। उसकी एक्यूरेसी क्या होगी, एक्यूरेसी ये होगी कि आप जो चीज़ चाह रहे थे वही मैसेज उसको पहुंचे, ये ना हो कि आप मांग पानी रहे हो और उसको समझ जो है वो किसी और चीज की आई हो कि वो जूस मांग रहे हो, ठीक। ये चीज हो सकती है अगर आप किसी किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं जिसमें जिसकी जुबान आपको नहीं आती, या आपकी जुबान किसी दूसरे शख्स को नहीं आती, तो उस केस में डिलीवरी तो हो सकती है और एक्यूरेसी में इशू आ सकता है, ठीक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग में इशू आ सकता है। थर्ड जो पैरामीटर है, प्रिंसिपल है, वो है टाइमलीनेस का, यानी कि द सिस्टम मस्ट डिलीवर डाटा इन टाइम। तो टाइम भी इंपॉर्टेंट है कि आपने मैसेज पहुंचाना भी है, दुरुस्त भी पहुंचाना है जो मैसेज आप देना चाह रहे हैं, और वो उसको खास वक्त में भी पहुंचाना है। अब वो पानी वाली एग्जांपल में ही अगर हम देख लें कि अगर आप मैसेज तो पहुंचे, मैसेज एक्यूरेट भी पहुंचे, लेकिन अगर आपकी प्यास आपको पानी जिस टाइम पे चाहिए था उस टाइम पे ना मिले तो मसला हो सकता है, ठीक है। तो आपको उस टाइम पे टाइमलीनेस, मैसेज विद एक्यूरेट और डिलीवरी, ये तीनों एस्पेक्ट जो है इंपॉर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं कि
कम्युनिकेशन सिस्टम के हमने प्रिंसिपल्स देख लिए, अब बेसिक एलिमेंट्स क्या है इस कम्युनिकेशन सिस्टम के, इसको भी अगर हम रियल लाइफ पे एग्जांपल करेंगे तो आपको आसानी से समझ आ सकती है। इसके बुनियादी तौर पर पांच एलिमेंट्स हैं एक कम्युनिकेशन सिस्टम के। अब उन पांच एलिमेंट्स में अगर हम इस सीक्वेंस को फॉलो करने के बजाय अगर हम पहले रियल लाइफ एग्जांपल देख लें कि इंसान, एक इंसान दूसरे इंसान को एक मैसेज अगर आप डिलीवर करने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका कोई भाई या बहन आउट ऑफ द कंट्री है, तो अब आपने उसको कोई मैसेज डिलीवर करना है, तो इस केस में आप सेंडर हैं, आपका भाई या बहन रिसीवर है, एक आपका मैसेज है जो कि आप मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं, एक आपका मीडियम है कि जिस जरिए से आप मैसेज पहुंचाएंगे। अब वो किसी के थ्रू भी हो सकता है, आपको कोई रिश्तेदार बाहर जा रहा हो और आप कहेंगे कि मेरा मैसेज पहुंचा दें, फिर इसी तरह आप टेलीफोन कर सकते हैं, इसी तरह आप स्काइप के ऊपर कह सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं और बहुत सारे इसमें ये आपके मीडियम है, जराए हैं, और हर जरिए का या हर जराए का कुछ ना कुछ तरीकाकार होगा, उसको कोई प्रोटोकॉल होंगे, कुछ रूल्स होंगे कि जिस रूल्स के तहत वो डाटा वहां पे फ्लो करेगा। अब आप इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि सबसे पहले आपका मैसेज आ गया, जो मैसेज आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने जा रहे हैं, अब वो मैसेज कंप्यूटर के कॉन्टेक्स्ट के अंदर या कम्युनिकेशन सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो टेक्स्ट भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, और वो इमेज की सूरत में भी हो सकता है। सेकेंड नंबर पे आपका आ जाता है सेंडर, यानी कि रिसीव करने वाला। द नोड दैट इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग डाटा इज कॉल्ड ट्रांसमीटर। सोर्स और सेंडर इन रिसेंट डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम द सोर्स इज द मोस्टली अ कंप्यूटर और अ मोबाइल डिवाइस। सेंडर कौन है? भेजने वाला, जो कि डाटा भेज रहा है, जिस तरह आप सेंडर हैं, इसी तरह कंप्यूटर, आपका जो कंप्यूटर जो कि ईमेल सेंड कर रहा है, वो आपका नोड या कंप्यूटर सेंडर है। मीडियम एक तरीका, एक पाथ है, एक जरिया है जिसके जरिए से आप डाटा को सेंड कर रहे हैं। कंप्यूटर की कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपका वो टेलीफोन लाइंस भी हो सकती हैं, फाइबर ऑप्टिक्स या माइक्रोवेव भी हो सकता है, और आपका जो है वो डिफरेंट लोकेशंस में डेफिनेटली आपके कंप्यूटर्स होंगे, ठीक है, डिफरेंट, एक विद इन एक बिल्डिंग भी हो सकते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के में भी ट्रांसफर होगा, तो वो भी डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम का हिस्सा ही है। रिसीवर की केस में रिसीवर वो नोड है जो कि डाटा को रिसीव कर रहा होगा। प्रोटोकॉल से मुराद वो रूल्स हैं जिस रूल्स के तहत जो है वो डाटा को सेंड किया जाएगा। इस डायग्राम में आपको इजीली समझ आएगा कि एक सेंडर डाटा को सेंड कर रहा है, रिसीवर रिसीव कर रहा है, एक मीडियम इस्तेमाल किया जा रहा है, और मैसेज सेंड करने का एक खास प्रोटोकॉल एडॉप्ट किया जा रहा है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो के है डेटा रिप्रेजेंटेशन फॉर्म्स। ठीक है, ये हमने ओवरऑल सिस्टम देख लिया, अब डेटा ये जो यहाँ से ट्रेवल कर रहा है अब वो किस किस फॉर्म में हो सकता है। एक फॉर्म उसकी टेक्स्ट या नंबर हो सकता है, ठीक है, वो टेक्स्ट की फॉर्म, स्ट्रिंग की फॉर्म में हो सकता है, जैसा ये एक स्ट्रिंग लिखा हुआ है जिसके अंदर अल्फाबेट्स आ रहे हैं और बीच में नंबर्स भी आ रहे हैं, तो ये टेक्स्ट नंबर की फॉर्म में भी हो सकता है, जो कि प्रैक्टिकली आपके करंट की सूरत में जब फ्लो कर रहा होगा तो वो बाइनरी डिजिट्स की फॉर्म में, यानी करंट की फॉर्म में ही, जीरो एंड वन की फॉर्म में ही फ्लो कर रहा होगा, यानी कि वो ऑन या ऑफ स्टेट की सूरत में फ्लो कर रहा होगा। दूसरी डाटा की रिप्रेजेंटेशन किस सूरत में हो सकती है? इमेजेस की सूरत में, इमेजेस यानी कि पिक्चर्स। अब पिक्चर्स किस चीज़ का कॉम्बिनेशन होती है? आपकी पिक्सल्स का कॉम्बिनेशन होती है, इसीलिए आप इमेजेस को नॉर्मली बोलते हैं। जब आप अपने कैमरे से पिक्चर खींचते हैं तो आप कहते हैं ये 2 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल, 13 मेगापिक्सल, तो 13 या 10 मेगापिक्सल से मुराद ये है कि उस एक पिक्चर के अंदर 10,000 पिक्सल्स से वो बनी है। जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी ही क्वालिटी आपकी इमेज की अच्छी होगी। थर्ड में जो है वो आपकी ऑडियो एंड वीडियो स्ट्रीमिंग भी हो सकती है, यानी कि आपकी MP3 फाइल या MP4 फाइल्स या और भी जो फॉर्मेट्स हो सकते हैं आपके। ऑडियो रेफर्स टू द रिकॉर्डिंग और द ब्रॉडकास्टिंग मीडिया म्यूजिक एंड साउंड, जिस तरह कि अब ये वीडियो आपको जिस सूरत में आपको मिल रही है, इसमें आपको वीडियो और ऑडियो भी दोनों चीज़ें मौजूद आपको ट्रांसफर की जा रही हैं।
अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो है डेटा ट्रांसमिशन मोड्स। ठीक है, अभी हमने पहले ओवरऑल बात कर ली कि डेटा कम्युनिकेशन क्या होती है, फिर डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम के ऊपर हमने देखा कि डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर कौन कौन से उसके अंदर जो है वो एलिमेंट्स मौजूद हैं। फिर उसके अंदर मैंने डेटा को देखा कि डेटा की कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं, किस रिप्रेजेंटेशन में हो सकता है। अब हम ट्रांसमिशन को देखते हैं। अभी हमारा फोकस पहले डेटा के ऊपर था, अब हमारा फोकस ट्रांसमिशन के ऊपर है कि डेटा की ट्रांसमिशन के कौन कौन सी मोड्स हो सकते हैं। इसमें तीन किस्म के मोड्स हो सकते हैं। एक मोड है सिंप्लेक्स मोड, ठीक है, एक मोड है सिंप्लेक्स मोड, दूसरा है हाफ डुप्लेक्स मोड और तीसरा है फुल डुप्लेक्स मोड। इसको भी अगर हम एग्जांपल के थ्रू समझें फिर हम टेक्स्ट की तरफ आते हैं। अब सिंप्लेक्स मोड स्क्रीन आपको ग्राफिकली भी नजर आ रहा है, सिंप्लेक्स मोड उस मोड को बोला जाएगा जिसमें एक सेंडर होगा और दूसरा रिसीवर होगा। रिसीवर सेंडर नहीं बन सकता और सेंडर रिसीवर नहीं बन सकता, ये एक ही फ्लो में वर्किंग करेंगे। इसकी रियल टाइम एग्जांपल क्या हो सकती है कि आप टीवी देखते हैं। अब टीवी चैनल वाले जो टीवी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो आपके सेंडर हैं और आप इसके रिसीवर हैं। आप टीवी के थ्रू वापस कम्युनिकेट बैक नहीं कर सकते। इसी तरह रेडियो के अंदर भी जो ट्रांसमिशन हो रही होगी वो वन साइडेड, रेडियो चैनल वाले जो हैं वो सेंडर हैं और आप उसके रिसीवर हैं। तो ये सिंप्लेक्स मोड में आ जाएगा। तो सिंप्लेक्स मोड में क्या होता है कि डाटा फ्लो वन डायरेक्शन में करता है, सोर्स टू डेस्टिनेशन, और ये डाटा टू एंड फ्रो दोनों डायरेक्शन पे फ्लो नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल यहाँ पे जो दी जा रही है, इंस्ट्रक्शंस फ्लो फ्रॉम योर कीबोर्ड टू सीपीयू। ठीक है, आप कीबोर्ड से इनपुट करते हैं, सीपीयू को इन्फॉर्मेशन जाती है, लेकिन सीपीयू आपको वापस कीबोर्ड से कम्युनिकेट नहीं करता, लेकिन सीपीयू की कम्युनिकेशन प्रिंटर को जा रही है। ठीक है, वो आउटपुट, और प्रिंटर की कम्युनिकेशन वापस सीपीयू को नहीं जाएगी। टेलीविजन और रेडियो जो हमने अभी डिस्कस कर दिया। सेकेंड ट्रांसमिशन मोड आता है हाफ डुप्लेक्स, नाम से भी जाहिर है। अब इसके अंदर कुछ स्लाइटली चेंजेस आ गए। हाफ डुप्लेक्स बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जो कि दोनों डायरेक्शन में फ्लो करता है लेकिन एक वक्त में एक होती है। ठीक है, दोनों डायरेक्शंस में साइमल्टेनियसली वर्क नहीं कर सकता। इसकी एग्जांपल वॉकी टॉकी है जो कि नॉर्मली आप पुलिस या इस तरह की जो वॉकी टॉकी में क्या होता है बेसिकली कि एक जो पर्सन होता है वो एक खास मोड के अंदर जाता है तो वो सेंडर बन जाता है, फिर खास मोड दूसरे मोड जब ऑन करता है तो फिर वो रिसीवर बन जाता है। एक ही वक्त में दोनों बात नहीं कर सकते, ओवरलैप हो जाएगा। तो ये मीडियम जो है वो हाफ डुप्लेक्स का हो जाता है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसकी कि सेंडर जो है वो रिसीवर को भेज रहा है और रिसीवर फिर एक वक्त में नहीं होगा। ठीक है, एक वक्त में ये सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा, एक दूसरे लम्हे ये सेंडर होगा और ये रिसीवर होगा। थर्ड ट्रांसमिशन मोड आता है फुल डुप्लेक्स, नाम से जाहिर है। फुल डुप्लेक्स से मुराद कि सेंडर और रिसीवर एक ही वक्त में दोनों साइमल्टेनियसली काम करते हैं, जो कि आज की दौर के अंदर सबसे ज़्यादा आपकी जो चीज़ें हैं वो फुल डुप्लेक्स की तरफ जा रही हैं। जैसे कि ऑनलाइन स्काइप के ऊपर बात करना, व्हाट्सएप के ऊपर कॉल करना या टेलीफोन के ऊपर बात करना फुल डुप्लेक्स की एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें एक ही वक्त में सेंडर और रिसीवर एक साथ बात कर सक रहे होते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि है डेटा ट्रांसमिशन स्पीड। इससे मुराद कि डेटा ट्रांसमिशन करने की स्पीड को किसा मेजर किया जाएगा। अब डेटा ट्रांसमिशन स्पीड जो मेजर की जाती है वो बैंडविड्थ में की जाती है। अब बैंडविड्थ क्या चीज़ है? इट इज अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर थ्रू अ नेटवर्क ओवर अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। बैंडविड्थ से मुराद एक खास वक्त में कितना डेटा एक उस नेटवर्क से गुजरा है। इसको क्या कहा जा सकता है? डेटा ट्रांसफर रेट भी कहा जा सकता है, इसी तरह उसको बॉड भी कहा जा सकता है, और इसको बिट्स पर सेकंड में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि एक सेकंड में कितने बिट्स ट्रांसफर हुए। अब बिट क्या चीज़ है? बिट स्मॉलेस्ट यूनिट है, यानी कि जीरो या वन की रिप्रेजेंटेशन। इसी तरह डेटा ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ 100 बॉड मीन्स, यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि 100 बिट्स आर ट्रांसफर्ड इन वन यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, एक खास लम्हे में 100 बिट्स डेटा ट्रांसफर का होना। ऑल ट्रांसमिटेड सिग्नल्स
हैव अ सर्टेन बैंडविड्थ एज डू द रिसीविंग सिस्टम. ठीक है, हर सिस्टम की कोई ना कोई सर्टेन लिमिट्स होती हैं, बैंडविड्थ होती हैं. अब हम आ जाते हैं ट्रांसमिशन की फॉर्म्स. इसमें आप कंफ्यूज ना करें. अभी हमने पहले पढ़ा ट्रांसमिशन के मोड्स, जो कि हमने पढ़ा सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स, वो मोड्स थे. अब हम आते हैं डेटा ट्रांसमिशन की फॉर्म्स. अब डेटा जो है वो दो फॉर्म्स में ही ट्रेवल कर सकता है, या तो वो एनालॉग की फॉर्म में होगा या वो डिजिटल की फॉर्म में होगा. अब एनालॉग से मुराद क्या है? एनालॉग से मुराद के डेटा का कंटिन्यूस वेव की सूरत में ट्रेवल करना. ठीक है, एनालॉग सिग्नल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कंटिन्यूस सिग्नल्स व्हिच रिफ्लेक्ट द टाइम वेरिंग क्वांटिटीज ओवर अ टाइम इंटरवल. द ह्यूमन वॉइस इज एन एग्जांपल ऑफ एनालॉग डेटा. आप ह्यूमन जो इंसान बोल रहा होता है, अब हमारी वॉइस जो है वो इस सूरत में, वेव की सूरत में ट्रेवल कर रही होती है, जिसको हम एनालॉग ट्रांसमिशन डेटा करते हैं कहते हैं. इसी तरह जो डिजिटल ट्रांसमिशन है, यानी कि इसमें डिजिटल करंट का इस्तेमाल आ गया, तो करंट का मतलब है वो करंट की फॉर्म में जाएगी, यानी कि ऑन और ऑफ की स्टेट में जाएगी, यानी कि जीरो और वन की फॉर्म में जाएगी. तो ये डिस्क्रीट होगी, डिस्टिंक्ट होगी, या तो जीरो होगी या वन होगी, इसमें कंटिन्यूस है. ठीक है, एक खास वैल्यू नहीं है. अब डिजिटल ट्रांसमिशन की अगर आप ग्राफिक्स देखें तो ये वन, इसका मतलब है वन, इसका मतलब है जीरो, वन जीरो. ठीक है, ये वन और जीरो की फॉर्म में ट्रेवल करेगी, यानी कि बाउंड्री कोड की फॉर्म में ट्रेवल करेगी. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेटा ट्रांसमिशन मीडिया. अब हम मीडिया के ऊपर फोकस करते हैं कि हमारे ट्रांसमिशन के कौन कौन से मीडियाज अवेलेबल हैं. तो बुनियादी तौर पर हमारे पास दो मीडिया अवेलेबल हैं, कैटेगराइज करें अगर तो, एक गाइडेड मीडिया, दूसरा अनगाइडेड मीडिया. गाइडेड मीडिया से मुराद कि ऐसा मीडिया या ऐसा रास्ता जिसमें रास्ता पहले से तय हो कि आपने इस जगह से जाना है. तो यूज अ फिजिकल पाथ फॉर कम्युनिकेशन, जैसे कि आपकी तार या वायर्ड कम्युनिकेशन. अनगाइडेड में यू डो नॉट रिक्वायर एनी फिजिकल पाथ फॉर कम्युनिकेशन, जबकि इसमें आपको पार्ट डिफाइन नहीं होता कि ट्रेवल डाटा ने कहाँ से करना है. अब गाइडेड मीडिया में जितनी भी वाइड कम्युनिकेशन है, यानी कि केबल्स की जो वायर्स के थ्रू डाटा ट्रेवल करेगा, वो तमाम गाइडेड मीडिया होगा. द डाटा सिग्नल्स आर डिपेंडेंट अपॉन द फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडिया. अब सिग्नल्स का ट्रेवल किस तरह होगा, वो डिपेंड करेगा उसका मीडियम की खसूसियात क्या है, जिस तरह वो कौन सी किस्म की केबल है. अब गाइडेड मीडिया के अंदर तीन बुनियादी किस्म की केबल्स या टाइप्स आ सकती हैं, जिसमें ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर हो सकती है. इसको हम ब्रीफली देख लेते हैं. ट्विस्टेड पेयर वायर जो होती है, नाम से भी जाहिर है, एक ऐसी केबल है जो कि ट्विस्ट हुई हुई है. ठीक है, एक तार दूसरे के साथ ट्विस्ट हुई हुई है, कपल हुई हुई है. कॉपर वायर्स होती हैं जो कि ट्विस्ट टुगेदर हुई हुई होती हैं और प्लास्टिक कोटिंग के साथ. ईच पेयर कंसिस्ट ऑफ टू वायर्स यूज फॉर पॉजिटिव डाटा सिग्नल एंड नेगेटिव डाटा सिग्नल्स. ठीक है, आगे फर्दर फिर ट्विस्टेड पेयर की भी टाइप्स हो सकती हैं कि शील्डेड ट्विस्टेड पेयर और अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर. अब शील्डेड ट्विस्टेड पेयर क्या है कि शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल इज कंपोज ऑफ टू केबल्स ट्विस्टेड विद ईच अदर एंड इनक्लोज्ड इन अ फॉइल कवर एंड वोवन कॉपर शील्डिंग. ठीक है, ये ट्विस्टेड केबल जो है वो उसके साथ एक और शील्ड होती है, एक और कवर होता है, किसका, फॉइल कवर का और कॉपर शील्डिंग का, ताकि उसकी डाटा लॉस कम से कम हो और इंटरफेरेंस जो आउटसाइड इंटरफेरेंस है वो कम से कम हो. ये तस्वीर में आपको जाहिर आ रहा है कि कॉपर वायर की जो है वो आपके पास जो है वो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर जो केबल है वो कवर है एक और शील्ड के साथ, जिसमें प्लास्टिक कवर है उसके अंदर फिर मेटल शील्ड भी है. और अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर में आपको शील्ड नहीं नजर आ रही. दूसरी टाइप ऑफ केबल आती है कोएक्सियल केबल. कोएक्सियल केबल लाइक ट्विस्टेड पेयर इज कंप्रोमाइज ऑफ टू कंडक्टर्स, हाउएवर इट इज कंस्ट्रक्शन इज स्लाइटली डिफरेंट एज कंपेयर टू कोएक्सियल केबल. इट कंसिस्ट ऑफ टू सिलेंडर्स, अ हॉलो आउटर सिलेंडर, इसका इसके ऊपर एक आउटर सिलेंडर भी होता है और एक कॉपर मैश होता है, इंसुलेशन होती है, और उसके अंदर फिर एक कॉपर वायर होती है जो कि डेटा को एक्सटर्नल जो है वो रेडिएशन, एक्सटर्नल जो डिस्टर्बेंस होती है उससे रोकती है, डेटा को लॉस होने से रोकती है.
इसका जो डायमीटर होता है वो 1 to 2.5 सेंटीमीटर होता है। अब कोएक्सियल केबल इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली टाइप फ्लेक्सिबल ट्रांसमिशन मीडियम ड्यू टू इट्स फ्लेक्सिबिलिटी। आपने इसको बहुत सारे जगह यूज होते देखा होगा, जो कि आपके टेलीविजन नेटवर्क्स के अंदर, इसी तरह लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कम्युनिकेशन के अंदर भी इस्तेमाल हो रही होती है, और आपके लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैब्स वगैरह के अंदर या आपके लैंड नेटवर्क के अंदर भी यही केबल इस्तेमाल की जा रही होती है। उसके बाद आपके आती है ऑप्टिकल फाइबर्स, जो कि कॉस्टली भी होती है लेकिन उसकी स्पीड भी आपने सुना होगा उसकी ज़्यादा होती है। तो ऑप्टिकल से मुराद यह है कि एक ऐसी फाइबर जिसके अंदर शीशा होता है, आपकी जो डेटा ट्रेवल होता है वो स्पीड ऑफ द आप कहने उसे टकरा के होता है, तो उसकी स्पीड जो है वो काफ़ी तेज़ होती है। एंड ऑप्टिकल फाइबर इज अ स्लिम फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। द ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसपोर्ट द डेटा विद अ वेरी हाई स्पीड, कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल डेटा सिग्नल इंटू अ लाइट सिग्नल्स एंड ट्रांसमिट इट थ्रू अ थिन ग्लास फाइबर। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल डेटा को कन्वर्ट कर रहा है लाइट सिग्नल्स के साथ, क्योंकि लाइट सिग्नल्स ट्रेवल तेज करते हैं, तो ये जल्दी डाटा आपका पहुंचा जाती है एक साइड से दूसरी साइड तक, और ये सिग्नल्स वापस रिकन्वर्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर। ये इसकी कोर है। द कोर इज द इनर मोस्ट सेक्शन विच सर्व्स एज अ लाइट कैरिंग डिवाइस। ठीक है, फिर उसकी क्लैडिंग होती है, इसी तरह उसकी फिर जैकेट होती है, आउटर लेयर। इसके फीचर्स क्या है? ऑप्टिकल फाइबर प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं उससे भी प्रोटेक्ट करती है, और इसका हैज अ लो एटेन्यूएशन देन कोएक्सियल केबल और ट्विस्टेड केबल। ठीक है, इसकी जो है वो डिस्टर्बेंस कम से कम होती है, और दे आर स्मॉलर इन साइज एंड लाइटर इन वेट, दे हैव ग्रेटर कैपेसिटी ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। इसी तरह उसके यूजेस क्या आ जाते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर्स यूज आर यूज एज लाइट गाइड्स एंड इमेजिंग टूल्स फॉर माइक्रोस्कोपिक स्टडी एंड फैक्ट्री ऑटोमेशन। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज एज अ लेजर्स फॉर सर्जरी इन मेडिकल फील्ड। इसी तरह नेटवर्क की टोपोलॉजीज के अंदर इस्तेमाल हो रही है। ऑप्टिकल फाइबर प्रोवाइड हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन विद एक्यूरेसी। ब्रॉडकास्ट केबल कंपनीज आर यूजिंग फाइबर ऑप्टिक केबल्स फॉर वायरिंग पर्पजेस। यह था हमारा गाइडेड मीडिया, यानी कि थ्रू वायर जिसकी डायरेक्शन पहले से तय हो। नेक्स्ट हमारा आता है अनगाइडेड मीडिया। अब अनगाइडेड मीडिया से मुराद जिसका कोई पाथ फिक्स ना हो। ठीक है, नॉर्मली ये वायरलेस को इसको वायरलेस भी कहा जा सकते हैं। अब इसमें सबसे पहला आपका सिस्टम आ जाएगा माइक्रोवेव सिस्टम। अब माइक्रोवेव्स आर हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो सिग्नल्स होते हैं जो कि डेटा को ट्रांसमिट करते हैं थ्रू स्पेस, हवा में स्पेस में ट्रैवल करते हैं। अब उनकी फिक्स नहीं होगा कि स्टेट। ठीक है, इट इज़ यूज टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन लिंक व्हेन इट इज़ अनरियलिस्टिक और टू कॉस्टली टू इंस्टॉल फिजिकल मीडिया। ठीक है, इसकी माइक्रोवेव्स की आगे फर्दर टाइप्स क्या हो सकती हैं? टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव्स हो सकती हैं, सेटेलाइट माइक्रोवेव्स हो सकती हैं। टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव्स क्या होंगी? दे आर यूज टू ब्रॉडकास्ट वायरलेस सिग्नल्स अक्रॉस अ डिस्टेंस फ्यू माइल्स। जी सर, इस केस के अंदर डेटा को जब आपने ट्रांसमिट करना होता है कि फ्यू माइल्स किसी खास इलाके में, मतलब छोटे से इलाके के अंदर जिसमें आप जो है वो ट्रांसमीटर लगाते हैं डिश के ऊपर, आपने देखा होगा कि बहुत सारे BTUs या बहुत सारे ऐसे टावर्स लगे होते हैं जिसके ऊपर आपके ट्रांसमीटर्स लगे होते हैं बॉल की शेप के, और माउंटेड किए जाते हैं हाई प्लेस के ऊपर, उनकी फ्रिक्वेंसी सेट की जाती है। ठीक है, रिपीटर्स आर आल्सो यूज्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 to 30 किलोमीटर बिटवीन ट्रांसमिटिंग रिसीविंग स्टेशंस। इन माइक्रोवेव में रेडियो वॉइस टेलीविजन ट्रांसमिशन भी की जाती है। इट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर द क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन बस शॉर्ट पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। इसी तरह आपका सेटेलाइट माइक्रोवेव हो सकता है। सेटेलाइट वाले जो है वो ऐसी कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जहाँ पे लार्ज डिस्टेंस कवर हो जाता है, क्योंकि ये ट्रैवलिंग ज़मीन से जो खला में सेटेलाइट्स आपकी रिवॉल्व हो रही होती हैं वो उस सेटेलाइट को भेजाई जाती हैं, और फिर ग्राउंड स्टेशन में दूसरे कंट्री या दूसरे कॉन्टिनेंट के अंदर भी पहुँचाया जा सकता है। इसका इस्तेमाल भी टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है, इसीलिए लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कम्युनिकेशन में इस्तेमाल किया जाता है, और प्राइवेट कमर्शियल नेटवर्क्स भी बनाए जा सकते हैं।
इसके बाद आता है स्विचिंग टेक्निक्स, यानी कि अ नेटवर्क इज अ कनेक्शन ऑफ इंटरलिंक्ड नोड्स, इफ देयर आर मोर देन टू नोड्स देन वन टू वन कम्युनिकेशन रिक्वायर्स सम कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट, वन सॉल्यूशन इज टू कनेक्ट ईच नोड विद द अदर बिट, इफ देयर आर लार्ज नंबर ऑफ नोड्स देन दिस सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। अब स्विचिंग टेक्निक्स बेसिकली कब इस्तेमाल की जाती हैं, उन्होंने कहा कि जब बहुत सारे नोड हो जाते हैं तो अब हर नोड को एक दूसरे नोड के साथ कनेक्ट करना या वन टू वन कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होती, उस केस में हमारे पास स्विचिंग की टेक्निक्स आ जाती हैं। बेटर सोल्यूशन इज स्विचिंग, अ स्विच इज अ कनेक्टिंग डिवाइस डेट लिंक्स नेटवर्क सेगमेंट्स और नेटवर्क डिवाइसेस, स्विचेज आर ऑल्सो कैपेबल ऑफ बिल्डिंग प्रोविजनल कनेक्शन बिटवीन टू और मोर नेटवर्क नोड्स, सम ऑफ द नोड्स आर कनेक्टेड विद द एंड सिस्टम्स, देर आर टू इंपॉर्टेंट मैथड्स ऑफ स्विचिंग सर्किट्स। ठीक है, अब स्विचिंग बेसिकली टेक्निक है, अब उसके दो मेथड्स हो सकते हैं जो कि सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग। अब सर्किट स्विचिंग क्या चीज है, सर्किट स्विचिंग बेसिकली इज अ डिवोटेड चैनल, एक ऐसा सर्किट इज बिल्ड ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। ठीक है, इन दिस मेथड अ फिजिकल पाथ इज क्रिएटेड फॉर अ सिंगल कनेक्शन बिटवीन टू एंड पॉइंट्स इन द नेटवर्क फॉर अ पीरियड ऑफ अ कनेक्शन, एक खास लम्हे के लिए पहले उसका सर्किट बना जाता है, एक पूरा पार्ट डिफाइन किया जाता है कि इस सेंडर से इस रिसीवर तक पहुंचना है, तो वो सर्किट चैनल डिफाइंड हो गया तो वो मेथड फिर वही पाथ फॉलो किया जाता है। आफ्टर द सर्किट चैनल हैज बीन एस्टैब्लिश्ड द डेटा ट्रांसफर टेक्स प्लेस, द ट्रांसमिशन पाथ इज बुक्ड ड्यूरिंग दैट ट्रांसफर डेटा एंड अदर डिवाइसेज कैन नॉट यूज इट अंटिल द डेटा ट्रांसफर इज कंप्लीटेड एंड द सर्किट इज रिलीज्ड। पहले सेंडर और रिसीवर को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसका पाथ को आइडेंटिफाई किया जाता है, वो जब तक डेटा कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो जाता वो पाथ बुक हो जाता है, उस पाथ को दूसरा कोई और ट्रांसमिशन यूज नहीं कर सकता। अब इसका फायदा क्या है, द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ सर्किट स्विच नेटवर्क इज द पब्लिक नेटवर्क लाइक PTCL विच प्रोवाइड टेलीफोन सर्विसेज। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस क्या है, सर्किट स्विचिंग कम्युनिकेशन इज एफिशिएंट है, ठीक है, देयर आर लेस चांसेस ऑफ एरर्स होते हैं और हाईली रिलायबल है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या आ रहे हैं इसके, लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज आ रही हैं, एक टाइम कंज्यूम हो रहा है, स्पेस रिक्वायर हो रही है, दूसरा कोई और चैनल को उस टाइम पे यूज नहीं किया जा सकता, बैंडविड्थ को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, और द सेटअप ऑफ द चैनल मे टेक लॉन्गर टाइम। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके बहुत ज्यादा नोड्स हैं, मिलियंस बिलियंस नोड्स हैं, तो उसमें पाथ को आइडेंटिफाई करना पहले वो टाइम टेकिंग हो जाएगा। पैकेट स्विचिंग क्या चीज है, दूसरी टेक्निक क्या आ जाती है पैकेट स्विचिंग की, डाटा को ट्रैवल कराने के लिए, जो कि डिवाइड कर देती है डाटा को स्मॉलर साइज ब्लॉक्स के अंदर, जिसको पैकेट बोलते हैं। अब आपकी जो कम्युनिकेशन है वो उस कम्युनिकेशन को या मैसेज को डिवाइड कर दिया जाएगा एक सीक्वेंस के अंदर, पैकेट्स के अंदर, उन पैकेट्स को जो है वो ट्रांसमिट किया जाएगा डिवाइड करके। ठीक है, ईच पैकेट कंटेन्स अ हेडर विच कंसिस्ट द राउटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, हर पैकेट के ऊपर इन्फॉर्मेशन लिखी होगी कि ये कहाँ से आ रहा है और किधर इसने जाना है। इस टेक्निक के फायदे क्या हैं कि इट मेक्स द एफिशिएंट यूज ऑफ नेटवर्क रिसोर्सेज। ठीक है, ये ज़्यादा लोड नहीं लेकर आएगी, इट कैन मैनेज वेरिएबल डेटा रेट्स, इट कैन ईजिली हैंडल इंक्रीज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, ये जो पहले वाले के ड्रॉबैक्स थे उसको एलिमिनेट कर रहा है। और डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ नॉट गुड स्कीम फॉर स्मॉल डेटा पैकेजेस, छोटे डेटा पैकेजेस के लिए ये रिकमेंडेड नहीं है, द ऑर्डरिंग ऑफ पैकेट्स में अल्टर ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ री ऑर्डरिंग एंड मे टेक मोर टाइम। ठीक है, इसमें भी टाइम ब्रेकिंग हो सकता है अगर आपका वो जो है ऑर्डरिंग ऑफ एंड री ऑर्डरिंग जो है वो दोबारा टाइम टेकिंग हो सकती है। फिर इसके बाद आ जाता है राउटिंग टेक्निक्स। राउटिंग बेसिकली क्या होता है, राउटिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन इक्वेशन टू अनदर इक्वेशन अक्रॉस द नेटवर्क। ठीक है, उसका राउट या उसका रूट आइडेंटिफाई करना। इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज द प्रोसीजर ऑफ सेलेक्टिंग द पाथ टू सेंड द पैकेट्स ओवर एंड नेटवर्क, यानी कि राउटिंग बेसिकली आइडेंटिफाई करेगी आपकी कि आपका डाटा किस पाथ से गुजरना चाहिए, क्योंकि एक डाटा को दूसरी जगह पहुंचाने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं। आपने अपने घर से यूनिवर्सिटी जाना है तो बहुत सारे रास्ते हैं, तो आप जेन में उसकी राउटिंग करते हैं कि आप कौन से रास्ते से जाएंगे, ये आपका डिसीजन दिन के मुताबिक भी चेंज हो सकता है कि कौन सा दिन है, टाइम के मुताबिक भी चेंज हो सकता है, और हालात या मौसम के मुताबिक भी चेंज हो सकता है कि बेस्ट रूट ये कौन सा होगा। ठीक है, राउटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द इंटरनेट बिकॉज इट टेक्स मैसेजेस फ्रॉम वन नोड टू अनदर, ईच नोड रिसीव्स इंफॉर्मेशन एंड पासेस इट टू द
अदर अंटिल इट रीचेस इट टू द डेस्टिनेशन. राउटर कैन ऑल्सो मेंटेन अ डेटा स्ट्रक्चर ऑफ द अवेलेबल राउट्स and their conditions. The information is used to manipulate distance, cost, algorithms and other to determine the best route for the given packet. ठीक है, two popular used routing techniques कौन सी हो सकती हैं? एक है source routing, दूसरी है hop by hop routing. अब source routing क्या चीज है? Source routing is a technique that is used to specify the route of a packet through the network. In this routing technique, the source needs to pass information along a specified way. ठीक है, therefore the path through the network is set by the source or a device. The device provides complete information about the desired path to the network. Complete path की जो है वो information दी जाती है कि किस path से गुजरना है. It is also assumed that the packet source is familiar with the design of the network and can indicate the optimal path of the packet. Source routing can be used to troubleshoot a network and increase the network performance. जबकि hop by hop routing में क्या होता है? The source does not have the all the information about the destination. ठीक? इसमें आपने direct source से destination तक complete information है, एक ही route है, ठीक है? जबकि hop by hop के अंदर क्या है? आप directly आपको information नहीं मौजूद बतानी है कि किस जगह पहुंचना है. hop by hop जिस तरह आपका frog hop करता है, या आपकी जो longer flights होती हैं, for example आपने अमेरिका जाना है या कहीं किसी और भी कंट्री जाना है, तो आपके पहले कनेक्टिंग फ्लाइट्स होती हैं, आप कहीं हॉप करके कहीं और जाते हैं, या आप मुख्तलिफ चैनल्स को इस्तेमाल करते हुए ट्रैवल करते हैं. तो इसी तरह हॉप पे हॉप के अंदर आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं आगी. इन दिस मेथड के अंदर आप जो है वो मुख्तलिफ डेस्टिनेशन तक पहुँचेंगे, फिर उसकी उस डेस्टिनेशन के आगे इन्फॉर्मेशन फर्दर होगी कि आप नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर कहाँ जाना है. फिर डिफरेंस बिटवीन स्विचिंग एंड राउटिंग ये हमने डिस्कस किया. द स्विचिंग मेथड मेक्स यूज ऑफ स्विचेस ओनली. अ स्विच एक्ट एज अ कनेक्टर, इट रिसीव्स पैकेट्स एंड सेंड्स देम डायरेक्टली. ठीक है, द स्विच जो है वो कनेक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ पैकेट को रिसीव करता है और आगे फॉरवर्ड कर देता है. इट कनेक्ट्स वन पॉइंट ऑफ नेटवर्क टू द अदर, टर्निंग इट ऑन एंड ऑफ एज नेसेसरी. स्विचेस वर्क एट लेयर टू ऑफ ओएसआई मॉडल. अभी हम ओएसआई मॉडल आगे नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे. इसी ना स्विच क्या करता है? एग्जामिन्स द मैक एड्रेस एंड डिटरमिन्स वेयर पैकेट शुड बी सेंड विद इन द डेटा लिंक हेडर ऑफ द पैकेट. वेयर मैक एड्रेस इज यूनिक आइडेंटिफाइड ओवर अ नेटवर्क. मैक एड्रेस क्या होता है? आपका नेटवर्क कार्ड का जो एड्रेस होता है, हर कंप्यूटर का डिफरेंट यूनिक एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिसको मैक एड्रेस बोला जाता है. जबकि राउटिंग मेथड के अंदर राउटर्स का इस्तेमाल किया जाता है. राउटर एक्ट एज अ कनेक्टर एंड अ शेड्यूलर एंड अ मैनेजर्स ट्रैफिक ओवर द नेटवर्क. वो सिर्फ कनेक्टर ही नहीं होता, उसकी एडिशनल जॉब जो होती है वो शेड्यूल करना या स्केड्यूल करना भी होती है ट्रैफिक को. इट डिटरमिन्स द ऑप्टिमल पाथ, या जो रास्ते को भी आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा शॉर्टेस्ट लेस टाइम टेकिंग पाथ है एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए. राउटर मेक्स यूज ऑफ नेटवर्क आईडी विद इन द नेटवर्क लेयर हेडर टू डिटर्मिन द नेक्स्ट डेस्टिनेशन ऑफ द पैकेट. ठीक है, ये नेटवर्क आईडी का इस्तेमाल करता है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को अंदर जंप इन करने के लिए. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेटवर्किंग से रिलेवेंट, जिसे हमारा ये यूनिट जो था वो डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग के हवाले से था. तो जो नेक्स्ट उसका नेटवर्किंग का है टॉपिक. अब नेटवर्क बेसिकली क्या है? दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर या नोट्स का कनेक्ट होना, चीजों का कनेक्ट होना, डिवाइसिस का कनेक्ट होना. अब नेटवर्क टोपोलॉजी क्या चीज होगी? द नेटवर्क टोपोलॉजी इज द कनेक्शन अरेंजमेंट, कि आप दो या दो से तीन से ज्यादा जितने भी कंप्यूटर्स को या डिवाइसेस को जब कनेक्ट करेंगे वो किस अरेंजमेंट के साथ करेंगे. ठीक है, उसकी अरेंजमेंट को टोपोलॉजी बोलेंगे. अब उसकी अरेंजमेंट की जो टोपोलॉजीज हैं वो कौन कौन सी हैं? स्टार है, ठीक है, रिंग है, बस है, हाइब्रिड टोपोलॉजी. नाम से ही जाहिर है स्टार टोपोलॉजी एक ऐसी अरेंजमेंट है जो कि स्टार लाइक बनाएगी. इसकी तस्वीर ये आएगी कि बीच में एक हब या नोड होगा जो कि तमाम कंप्यूटर्स को स्टार लाइक फॉर्म में कनेक्ट करेगा, कि सब जो है वो सेंट्रलाइज एक सर्वर के साथ जो है वो कनेक्ट होंगे. तो तब इस टोपोलॉजी या इस पैटर्न को हम स्टार टोपोलॉजी बोलेंगे. इस सेंट्रल पॉइंट को हब बोला जाएगा. इसकी एडवांटेजेस क्या हैं? कि अब इस कंप्यूटर ने अगर इस कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है तो वो इसके पास आएगा और आपका डाटा फिर इसके पास जाएगा.
अगर कोई एक नोट खराब भी होता है तो आपका नेटवर्क वर्किंग में ही रहेगा। अगर ये नोट खराब है तो आप सिर्फ इसको मैसेज नहीं भेजवा सकते, बाकी इसके थ्रू आप इसको भिजवा सकते हैं। नुकसान में क्या है, अगर आपका ये हब खराब हो जाता है तो आपका पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। स्टार्ट बॉलोजी इजी टू इंस्टॉल है, ठीक है, इसमें और एड ऑन कर सकते हैं चीजें। द वायरिंग अरेंजमेंट इज ऑल्सो ईजी। द ट्रांसमिशन डिले डू नॉट इंक्रीजेस इफ अ न्यू नोड इज एडेड, ठीक है, नया नोड एड करेंगे तो आपका ट्रांसमिशन डिले नहीं आएगा, कोई इससे ओवरहेड नहीं होगा और इजी है फॉल्ट डिटेक्ट करने के लिए। डिसएडवांटेज क्या है, ज़्यादा केबल लगेगी इसमें और अगर हब अगर डाउन हो जाए तो आपका पूरा नेटवर्क डाउन हो जाता है। फिर आ जाती है आपकी रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में आपके कंप्यूटर्स एक रिंग की सूरत में कनेक्टेड होंगे, आपका डाटा ट्रेवल रिंग की टोकन के थ्रू होगा। इस कंप्यूटर से अगर डाटा आपने इस कंप्यूटर में सेंड करना है तो वो थ्रू हर कंप्यूटर से गुजरता हुआ डेस्टिनेशन पर जाएगा। इसके फायदे क्या है, इसमें कोई सेंट्रल नोड नहीं है, कंट्रोलिंग नेटवर्क अथॉरिटी कोई नहीं है, हब नहीं है, रिंग इजी टू इंस्टॉल है, वायरिंग अरेंजमेंट भी कम है, इक्वल एक्सेस है सबके लिए, इजी टू डिटेक्ट फॉल्ट भी है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, ट्रांसमिशन सिग्नल्स गो इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर विच क्रिएट डिलेज। अब सीक्वेंस में इस कंप्यूटर से अगर इस कंप्यूटर में जाना है तो वो पहले इस कंप्यूटर में जाएगा, फिर इस कंप्यूटर में जाएगा, फिर इस कंप्यूटर में जाएगा, तो ये जो डिले आ रहा है ये इसका नुकसान है। और सिंगल ब्रेकडाउन केबल कैन डिस्टर्ब द फ्लो ऑफ ऑल नेटवर्क। अगर ये कंप्यूटर खराब होता है तो सिर्फ आप इसको, ये नहीं है कि आप सिर्फ इसको कम्युनिकेट नहीं कर सकते, उस सूरत में आप इस कंप्यूटर या इस कंप्यूटर के साथ भी कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। बस टोपोलॉजी में आपके कंप्यूटर सीक्वेंस में एक बस की सूरत में लाइन से कनेक्टेड होंगे, आपका स्टार्टिंग नोड और एंडिंग नोड होगा। इसके भी इसी तरह आप देख लें कि कुछ एडवांटेजेस हैं कि ईवी टू एड ए न्यू नोड है, ठीक है, सस्ती है, इट इज सूटेबल फॉर स्मॉल नेटवर्क्स है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या है, द मेन केबल ब्रेक्स द होल कम्युनिकेशन सिस्टम आपका डाउन चला जाएगा क्योंकि तमाम सीक्वेंस में कनेक्टेड हैं जो कि रिंग के अंदर भी मौजूद था ये प्रॉब्लम। मैश टोपोलॉजी में आपका हर नोड एक दूसरे नोड से कनेक्टेड है, ठीक है, इंटरनेट आपकी इसी मैश की एग्जांपल है कि आपका हर नोड किसी दूसरे नोड के साथ कनेक्टेड है। मैश टोपोलॉजी मेड अप ऑफ नेटवर्क विच ईच नोड इज इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है, वन टू वन कनेक्शन प्रोवाइड करता है, आपके हर कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर के साथ इसमें कनेक्टेड है। नेगेटिव क्या होगा, ये हाईली कॉस्टली होगा अगर हम इसको लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर अप्लाई करते हैं, बहुत ज़्यादा केबल्स अप्लाई होंगी तो फिजिबल नहीं होगा, ठीक है, अगर एक नेटवर्क डाउन होता है तो इसे बाकी नेटवर्क इफेक्ट नहीं होगा। फिर हम नेटवर्क के ऊपर आ जाते हैं। नेटवर्क को हमने डिफाइन किया था कि दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होना। अब उसके अंदर फर्दर टाइप्स आ जाती हैं, लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी कि मैन, और वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि वैन। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होगा, एक खास बिल्डिंग के अंदर रहते हुए या एक लोकलाइज्ड एरिया के अंदर रहते हुए कनेक्शन नेटवर्क दैट कनेक्ट्स ग्रुप ऑफ सिस्टम्स एंड डिवाइसेस विद ईच अदर विद इन अ लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है, एक खास एरिया के अंदर रहते हुए, यानी कि एक ऑफिस का नेटवर्क, एक स्कूल का नेटवर्क, ठीक है। इसी तरह इसकी स्पीड ज़्यादा होगी डेफिनेटली, एक लोकल एरिया, एक खास बिल्डिंग के अंदर रहते हुए आपस में कम्युनिटी कनेक्टेड होंगे। इसको थोड़ा एक्सपेंड करें अगर हम ज्योग्राफिकली, तो मेट्रोपॉलिटन एक लार्ज नेटवर्क है लैंड से, यूजुअली ये कवर करता है सेवरल बिल्डिंग्स, ऑफिसेस, या इवन एक ही सिटी के अंदर बहुत सारी बिल्डिंग्स आपस में कनेक्टेड होंगी तो वो मैन बना देंगी आपकी। वैन क्या हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि इंटरनेट यानी कि WWW कि तमाम लैंड मैंस आपस में जब कनेक्ट हो जाएंगी वर्ल्ड वाइड, वो एक वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि इंटरनेट बना देंगी। फिर हम आते हैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, यानी कि डाटा कम्युनिकेशन के कुछ तरीकेकार हैं, कुछ रूल्स हैं जिसके तहत वो डाटा कम्युनिकेट होगा। अब कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर कौन से फंक्शंस होते हैं कि वो डिफाइन किया जाता है कि इसका साइज क्या होगा डेटा ब्लॉक का, कि नंबर स्कीम्स क्या होंगी, एरर फ्लो कंट्रोल क्या होगा, ठीक है, कि डाटा सिक्योरिटी किस तरह की जाएगी, उसकी लॉक कौन मेंटेन करेगा, ये तमाम चीज़ें जो है वो आपके रूल्स में आती हैं कि आपका डाटा फ्लो किस तरह करना है। उस
इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर, इस प्रोटोकॉल्स के सूरत के अंदर एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, बहुत सारे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हैं, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो है प्रोटोकॉल है वो है OSI मॉडल का, ठीक है। तो OSI मॉडल क्या चीज़ है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल है। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इज अ मोस्ट कॉमनली यूज प्रोटोकॉल इन नेटवर्क कम्युनिकेशन, ठीक है। नेटवर्क कम्युनिकेशन के अंदर सबसे जो मोस्ट कॉमनली यूज प्रोटोकॉल है वो OSI का है। OSI का जो ये मॉडल है, ये ISO यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया था 1984 के अंदर। अब इसके अंदर कुछ लेयर्स हैं, जिसके अंदर 7 लेयर्स हैं, फिजिकल डाटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। इसको याद रखने के लिए मैं आपको मशवरा दूंगा, जो मुझे भी अभी तक याद है, अगर आप इसको याद रख लें, नोट पैड में लिख देता हूँ, APS TNDP, ठीक है। इस सीक्वेंस से अगर आप याद करेंगे तो APS TNDP, यानी कि APS से क्या बन रहेगा कि आपका एप्लीकेशन लेयर, ऑपोजिट देखें, फिर प्रेजेंटेशन लेयर, फिर आपकी सेशन लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर आपकी नेटवर्क लेयर, फिर डाटा लिंक लेयर और आपकी फिजिकल लेयर। अब इसकी ये अरेंजमेंट है APS TNDP, कि आपका डाटा ट्रांसमिशन एप्लीकेशन से शुरू होगी, क्योंकि आपका यूजर जो है वो इंटरेक्ट कर रहा होता है आपकी एप्लीकेशन के साथ, एप्लीकेशन लेयर के साथ। एप्लीकेशन लेयर की कुछ प्रेजेंटेशन लेयर होती है कि वो डाटा किस तरह प्रेजेंट करना है, सेशन बनता है, ट्रांसपोर्ट होता है, नेटवर्क के ऊपर जाता है, डाटा लिंक के ऊपर जाता है, फिजिकली वो ट्रैवल करता है, ठीक है। इसी तरह हर लेयर को इन्होंने डिटेल से आप इसमें पढ़ेंगे कि फिजिकल लेयर से मुराद यानी कि आपकी लेयर 1 है, जिसमें आपकी केबल या आपका वायरलेस मीडियम आपका आ जाएगा। डाटा लिंक के अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डाटा को ट्रांसमिशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओवर अ नेटवर्क। ये इट रिसीव मैसेजेस फ्रॉम द अपर लेयर्स एंड असेंबल इट इनटू द फ्रेम्स, ठीक है, इसको फ्रेम्स के अंदर कन्वर्ट करती है। इसी तरह जो आपकी नेटवर्क लेयर है वो रिस्पॉन्सिबल होती है आपके डिलीवरी ऑफ द मैसेजेस फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है। ये राउटिंग के अंदर डील करती है कि आपका किस पाथ के जरिए से आपका डाटा जो है वो ट्रैवल करेगा। इसी तरह ट्रांसपोर्ट लेयर रिसीव करती है मैसेज फ्रॉम सेशन लेयर एंड डिवाइड्स इनटू द फॉर्म ऑफ पैकेट्स के अंदर डिवाइड करती है। इसी तरह सेशन लेयर जो है वो मैनेज करती है डायलॉग बिटवीन टू कंप्यूटर्स के आपका कम्युनिकेशन चैनल का जो सेशन स्टार्टिंग जब तक कंप्लीट नहीं होता वो सेशन को मेंटेन करती है कि कब स्टार्ट हुआ और कब आपका जो है वो एंड हुआ है, आपकी कंप्लीट हो गई है ट्रांसमिशन। प्रेजेंटेशन लेयर इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबल होती है कि डाटा जिस तरह भेजा गया था उसी तरह नज़र भी आए, उसका सिंटैक्स यानी कि और सिमेंटिक्स दोनों ठीक हैं, जिस सूरत में जिस तरह भेजा गया था उसी सूरत में वो डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा। एप्लीकेशन लेयर ऑफ द OSI मॉडल इनेबल्स द यूजर टू एक्सेस द नेटवर्क, ठीक है। उस एप्लीकेशन के थ्रू ये जो भी इंटरफेस होता है जिसके थ्रू जो है वो उसको यूजर एक्सेस कर रहा होता है, तो वो उस डाटा को फाइल को एक्सेस करता है। NFC कार्ड क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NFC जिसको बोलते हैं, इज अ हार्डवेयर डिवाइस दैट फिजिकली मेक्स द कनेक्शन बिटवीन द कंप्यूटर्स नेटवर्क, ठीक है। इट इज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड दैट इंस्टॉल्ड ऑन एक्सपेंशन स्लॉट ऑफ अ कंप्यूटर। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स पोर्ट टू कनेक्ट नेटवर्क केबल। जो इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ NFC कार्ड होते हैं कि डाटा को सेंड करना, दूसरे होस्ट की तरफ रिसीव करना, इसी तरह प्रिपेयर करना डाटा को फ्रॉम कंप्यूटर टू द नेटवर्क केबल के लिए, ये NFC कार्ड की शक्ल है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका यूनिट नंबर 7, जिसके अंदर आपने डाटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग के बेसिक कॉन्सेप्ट देखे। इसमें सेल्फ असेसमेंट आपके जो है वो आप आइडेंटिफाई करें कि बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं, डिफ्रेंशिएट करें सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स को, स्पीड को किस मेजर किया जाता है, इसी तरह डिफरेंट कम्युनिकेशन मीडिया को आप गो थ्रू करें, लैन और वैन के दरमियान डिफ्रेंशिएट करें, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज को देखें, स्विचिंग एंड राउटिंग को देखें और OSI मॉडल को देखें। एक्टिविटीज़ क्या आपने कि विजिट IT डिपार्टमेंट ऑफ एनी ऑफिस, किसी भी ऑफिस का आपने IT डिपार्टमेंट को विजिट करें और आपका नेटवर्क आर्किटेक्चर के ऊपर एक रिपोर्ट बनानी है आपने। सर्फ द इंटरनेट एंड एक्सप्लोर मोबाइल डिवाइसेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड, ठीक है। इंटरनेट को भी सर्च करें, मोबाइल डिवाइस कम्युनिकेशन के स्टैंडर्ड्स को देखें कि उनके स्टैंडर्ड्स क्या हैं। तो डियर स्टूडेंट्स,
ये था हमारा यूनिट नंबर 7, यानी कि डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे कि डेटा कम्युनिकेशन के और नेटवर्किंग के कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं। नेक्स्ट वीक यूनिट नंबर 8 के साथ आएंगे, देखेंगे कि नेक्स्ट यूनिट नंबर 8 में आपके लिए सीखने के लिए क्या चीज़ें हैं। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।